केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उनके आगमन को लेकर भारत नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर बॉर्डर पर स्थित एसएसपी बैंक परिसर में इसको लेकर एक बैठक की गई है। आपको बता दें कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर 24 और 25 फरवरी की शाम 6 बजे से भारत नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि इस दौरान होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, लॉज आदि में ठहरने वाले लोगों की डिटेल महिलाओं को रखनी होगी और इसकी जांच भी की जाएगी। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने गृह मंत्री की उच्च स्तरीय सुरक्षा को लेकर 2 दिन भारत नेपाल सीमा को सील रखने का निर्णय लिया है। बता दें कि भारत नेपाल सीमा में लगने वाले सभी बीओपी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। साथ ही सीमाई इलाकों में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की शुरू कर दी गई है। इस लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग में जिला पुलिस, वाल्मीकि नगर की थाना पुलिस, एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से पूरे इलाके में पेट्रोलिंग हो रही है। कहा गया है कि सीमा सील होने के बावजूद इमरजेंसी सेवा बरकरार रहेगी। आपातकालीन स्थिति में लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा। बता दें आपको कि इसके लिए आने जाने के साथ अपना आईडी प्रूफ साथ में रखना होगा। उसकी छाया प्रति को भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों के पास जमा करना पड़ेगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि उनके आगमन को लेकर भारत नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर बॉर्डर पर स्थित एसएसबी कैंप परिसर में इसको लेकर एक बैठक की गई है और बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर 24 और 25 फरवरी की शाम 6 बजे से भारत नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा और अधिकारियों ने बताया गया है कि इस दौरान आपको होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, लॉन्च और आदि में ठहरने वाले लोगों की डिटेल मालिकों को रखनी होगी और इसकी जांच भी करनी होगी। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने गृह मंत्री की उच्च स्तरीय सुरक्षा को लेकर 2 दिन भारत नेपाल सीमा को सील रखने का निर्णय लिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।